जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, मस्त होंगे। आइए आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। यदि आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार क्या होता है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी घटित हो जाती हैं कि हम उनका कितना भी उपाय करते रहें, डॉक्टर से कितनी भी दवाई करते रहें, लेकिन ना तो वो दवाई लगती है शरीर को, ना वो उपाय लगता है। घर में बहुत आमदनी है लेकिन फिर भी अशांति है। घर में पैसा खूब आता है लेकिन फिर भी सबके मन जो है खिन्न है। घर के अंदर किसी के किसी से विचार नहीं मिलते, सभी दुखी हैं, आक्रांत हैं, पीड़ित हैं। घर से रोग ना जा रहा हो, एक की दवाई छूटती है तो दूसरे की दवाई जो है घर के अंदर शुरू हो जाती है। वैमनस्यता का वातावरण, क्रोध से तनाव से भरा हुआ वातावरण जो घर में बना रहता है, तो इसका क्या कारण है? ऐसा होता है प्यारे मित्रों कि पूर्व जन्म कृत पापों के जो संचित कर्म हैं वो इस जीवन में हमको भोगने पड़ते हैं, लेकिन इनको भोगने से ही इनका नष्ट हो सकते हैं। ये जब नष्ट होंगे हमारे पूर्व संचित पाप कर्म, तो ये भोगने से ही नष्ट होंगे। धैर्य को धारण करते हुए आप मेरे इस वीडियो को देखें, फॉलो करें। परिवारों में कभी कभी सब कुछ होते हुए भी पितृदोष लग जाता है और कई बार पितृदोष की वजह से घर में संतान नहीं हो पाती। घर में बच्चे के ना होना एक बहुत बड़ा कारण पितरों की अशांति भी है। जिन परिवारों में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य आदि नहीं किया जाता या विधि से उनका कोई भी मृतक कर्म नहीं किया गया, श्राद्ध आदि सैपिंडी आदि उनके लिए श्रद्धा से नहीं की गई और वार्षिक श्राद्ध उनके निमित्त नहीं किया गया, तो प्यारे मित्रों उस परिवार में ऐसे वातावरण उत्पन्न हो जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि परिवार में पितृदोष जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जो घर में वंश वृद्धि नहीं होती, परिवार में जो वंश वृद्धि नहीं होती, इसका एक बहुत बड़ा कारण है पितृ की अशांति। शरीर बिल्कुल ठीक है, मेरे पास तो हजारों वर्ष आ चुके हैं अब तक, क्योंकि इससे पूर्व भी मैंने संतान के ऊपर बहुत से वीडियोज बनाए जो आप लोगों के द्वारा सराहे गए, लेकिन ये जो वीडियो मेरा है संतान के ऊपर, ये वीडियो कुछ एक विशेष ही है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो है पितरों की उस दशा को लेकर के भी है। हम लोग बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से दान पुण्य करते हैं और दान पुण्य करने के बाद भी घर में संतान नहीं होता और डॉक्टरों से बहुत दवाइयां हमको लोग खा खा करके थक जाते हैं, तो इसके लिए ज्योतिष हमको बहुत बड़ा आसान सा रास्ता दिखाता है। यदि हम अध्यात्म की ओर बढ़ करके अपने इस दुख का निवारण करना चाहें तो बड़ी सरलता से कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, परिवार में पितरों का पीड़ित होना एक मुख्य कारण हो जाता है। अपने माता पिता की सेवा ना करना, अपने बुजुर्गों को दुर्वचन कहना और उनको गाली देना अपने पितरों को, तो ऐसे करने से बहुत बड़ा दोष लगता है। मैं सच कहता हूँ प्यारे मित्रों, जिसने अपनी माँ को, जिसने अपने पिता को, जिसने अपने बुजुर्गों को कोसा है, उनके मरने के बाद भी और उनके जीते जी भी उनको यदि कोसा है, तो ये देख लीजिए कि उस परिवार में एक ना एक दिन अवश्य पितृ बाधा जो आकर के घेर लेती है। फिर कितना भी प्रयास करते रहें तो संतान वंश वृद्धि जो नहीं हो पाती। कितने ही मंदिर माथा टेके हैं तो वंश वृद्धि होने में बड़ी गड़बड़ी होती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं।
मैं आपको एक बड़ा साधारण सा सूत्र बताऊं कि देवता यदि रूठ जाते हैं, भगवान यदि रूठ जाते हैं, तो थोड़ी सी पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मान जाते हैं। लेकिन यदि पितर एक बार रुष्ट हो गए तो नाको चने चबाते हैं। इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करें, घर में कोई अतिथि आता है उसका मान सम्मान करें, साधु की, संत की, ब्राह्मण की सेवा करें और ऐसा प्रयास करें कि ये आपके घर में यदि आते हैं साधु, संत, ब्राह्मण, गुरुजन, तो आपके घर से प्रसन्न होकर के बाहर निकलें। यदि आपके घर से खिन्न होकर के वो बाहर निकलेंगे तो भी आपको दोष लग जाता है। ये सत्य है, ये मैं आपको शास्त्र की बात करता हूँ। घर में संतान का ना होना एक बहुत बड़ा कारण पितृ दोष भी है। तो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं उससे हमारे पितर जो है हमसे, जो रुष्ट हैं वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, और पितर यदि प्रसन्न हो जाएं तो घर में सुख शांति जो है बढ़ती है। आप इस उपाय को देखें कि ये उपाय क्या हैं, बड़े आसान से, बड़े सरल से उपाय हैं। हर अमावस को, पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं, हर अमावस को, जिस दिन अमावस आती है, महीने में एक बार आती है प्यारे मित्रों, हर अमावस को आप चावल उबालें, उसमें दही मिलाएं और वह दही मिले हुए चावल गाय को खिलाते रहें। एक वर्ष तक के नियम बना करके रखें, यानी कि 12 अमावस आपने लगातार कोई भी अमावस बीच में छोड़नी नहीं है। चावल उबालें, दही मिलाएं और गाय को खिलाते रहें, पहला उपाय। दूसरा उपाय पितृ दोष शांति का, कि घर के जितने भी सदस्य हैं उतनी पीली कोड़ी लेकर के बुधवार के दिन उसको तेज बहते पानी में बहा दें। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं पीली कोड़ी लेकर के तेज बहते पानी में उनको हम बहा दें। तीसरा एक उपाय और, वर्ष में जब भी श्राद्ध आए तो बड़ी श्रद्धा से उसको करें। श्रद्धा से करने के कारण ही प्यारे मित्रों इसका नाम है श्राद्ध। अपने पितरों के निमित्त, अपने बुजुर्गों के निमित्त जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, उनके निमित्त बड़े श्रद्धा भाव से आप श्राद्ध को करें तो ये दोष धीरे 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 शांत हो जाएगा। गाय की सेवा करें, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से हमारा ये पितृ दोष जो है शांत हो जाता है। गाय एक ऐसी पशु है जिसको हम लोग माँ का दर्जा कह देते हैं, गौ माता कहते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, गौ माता की सेवा जो है हम सबको करनी चाहिए। एक उपाय और पितृ शांति का बड़ा सटीक है, आपको 43 दिन तक करना पड़ेगा और इस उपाय को आपने शुक्रवार से शुरू करना है। शुक्रवार को आटे के पेड़े में पनीर का टुकड़ा डाल करके गाय को खिलाएं। ये लगातार 43 दिन तक करें, शुक्र से लेकर के शुक्र पर ही समाप्ति करें, यानी कि शुक्रवार के दिन शुरू करें और शुक्रवार के दिन समाप्ति करें। वो 42वां दिन हो जाए, वो 43वां दिन शुक्रवार हो, 45वां दिन शुक्रवार हो, लेकिन 40 दिन से पार हो तो इससे भी पितृ दोष धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्यारे मित्रों, बहुत से पितृ शांति के उपाय हैं। प्रातःकाल उठ करके आप अपने घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि आप यदि खुद जाप नहीं कर सकते तो कोई ऑडियो लेकर के, ऑडियो के द्वारा छोटा सा अपने घर में हल्की हल्की आवाज में महामृत्युंजय का मंत्र जो है चलते रहना चाहिए, हल्की आवाज में, जो उस घर की चार द्वारी के अंदर गूंजता रहे। वेद मंत्रों का उच्चारण जो है ऑडियो कैसेट के द्वारा आप यूट्यूब के माध्यम से उसको अपने घर में प्रातःकाल चलाएं
तो घर का वातावरण, घर की ऊर्जा जो है बड़ी स्वच्छ होती है। प्यारे मित्रों, ऐसा करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, बुरी ऊर्जा बाहर की ओर भागेगी, तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगी। संतान का ना होना एक ये भी कारण है, पितृदोष। शरीर ठीक है फिर भी संतान नहीं हो रही, पितृदोष इसका कारण है। ये सिप्टम मैंने आपको आज बता दिए। यदि आप मेरे इन जो दो तीन मैंने आपको उपाय बताए इसको आप पालना करते हैं तो निश्चित ही आपके परिवार में सुख शांति जोड़ेगी। इसके अलावा यदि आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, पर्सनल मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इसी नंबर पर जो स्क्रीन में दिया जा रहा है। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मैं आपकी कुंडली देख करके भी उसके हिसाब से आपको उपाय भी बता सकता हूँ, और उन उपायों को करने से आपको अवश्य सुकून की प्राप्ति होगी। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सखा। चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियो जो है आप तक पहुंच सकें। आप मेरी किसी भी वीडियोस के किसी भी उपाय को आप करें, सभी बहुत ही सटीक उपाय हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।